राम राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब सिर्फ 25 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों ने अपने टिकट फाइनल कर दिए हैं। तो ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं तमाम विधानसभाओं की, ये किस विधानसभा में किसके पक्ष में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और किसका चुनाव प्रचार अच्छा है और कौन किस पे भारी है। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद की सबसे हॉट सीट बनी हुई लोनी विधानसभा, क्योंकि गाजियाबाद जिले की बाकी सभी सीटों पर कहा जा रहा है कि बीजेपी मुश्किल ही हारेगी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी मुश्किल ही जीतेगी। कारण बताए जा रहे हैं मदन भैया। मदन भैया वो शख्स हैं जो खेकड़ा विधानसभा के निर्दलीय भी विधायक बन जाते थे, सपा से विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो साथ किसी का रास आया वो था चौधरी अजीत सिंह का। चौधरी अजीत सिंह का उन्हें साथ मिला और चौधरी अजीत सिंह का उन्हें ऐसा साथ मिला कि उन्हें कभी टिकट नहीं मांगना पड़ा। वो अपने घर रहते थे, घर उनके टिकट आता था, फ़ोन आता था कि चुनाव लड़ लो, और मदन भैया ने कभी टाला भी नहीं, क्योंकि उनको पता था चौधरी अजीत सिंह अगर किसी को चुनेंगे तो वो वही होंगे। एक ऐसे शख्स है मदन भैया जो अपना पर्सनल वोट 50,000 अपने पास रखते हैं। 2017 का चुनाव जब रालोद को कोई वोट देने को तैयार नहीं था, ऐसे वक्त में मदन भैया 40,000 के ऊपर वोट पा गए। हर कोई हैरान था कि गाजियाबाद ज़िले में रालोद को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। दरअसल में उसमें 2-3 हज़ार ही वो रालोद का वो वोट बैंक था जिन्होंने रालोद को वोट दे दिया, वरना बाकी सब तो भाजपा पे चले गए थे। ये वोट बैंक तो मदन भैया का अपना था, ये वो मोहब्बत थी जो उन्होंने कमाई है। जेल में रहकर विधायक बने और अब एक बार वो फिर से विधायक बनने के लिए तैयार हैं। मुकाबला बताया जा रहा है नंद किशोर गुज्जर से और कहा जा रहा है थोड़ा बहुत चैलेंज दे सकते हैं हाजी अकील। अगर हाजी अकील उनकी 20-30 हज़ार वोट काट गए तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है मदन भैया को। लेकिन बसपा के हाजी अकील कितनी वोट पाएंगे ये तो रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड की स्थिति दिख रही है उससे तो साफ लग रहा है कि बसपा के प्रत्याशियों को शायद ही उतने वोट मिले जितने लोग उम्मीद लगा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम मदन भैया और नंद किशोर गुज्जर की बात करें तो मदन भैया के पास प्लस पॉइंट ये है कि 2017 में भी बड़ी संख्या में गुज्जर वोट मदन भैया को ही मिला, मतलब गुज्जरों की पहली पसंद मदन भैया ही रहे हैं हमेशा से। नंद किशोर गुज्जर गुज्जर समुदाय की पहली पसंद नहीं है, और अब इस चुनाव में जब कहा जा रहा है बड़ी संख्या में गुज्जर समुदाय भाजपा के खिलाफ है, ऐसे में नंद किशोर गुज्जर पहले जितने उनको गुज्जर समुदाय के वोट मिले थे कितने ले पाएंगे ये भी सवाल है। वहीं कहा गया था कि नंद किशोर गुज्जर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। स्थानीय लोग नाराज थे कि इन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया, इन्होंने अपनी विधायक निधि खर्च नहीं की और लोनी को गर्त में धकेल दिया। वहीं मदन भैया इस बात को जोरों शोरों से प्रचार में उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब खेकड़ा विधानसभा थी तब लोनी इतना बुरा नहीं था, बड़ी विधानसभा थी और मैं सभी का ख्याल रखता था, और यही कारण है कि मदन भैया को थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट भी हमेशा से मिलता है। ऐसा पहली बार हुआ पिछले चुनाव में कि वो तीसरे नंबर पर खिसक गए, वरना उनके बारे में कहा जाता है वो तो पहले या दूसरे नंबर वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी मदन भैया जीत पाएंगे या फिर नंद किशोर गुज्जर ध्रुवीकरण करके बाजी पलट देंगे, लेकिन मदन भैया के सामने ध्रुवीकरण मुश्किल है। ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, जब पूरे प्रदेश में एक तरफा चुनाव हो रहा था पोलराइजेशन के बेस पे, तब भी मदन भैया 42,000 वोट पा गए, अब उसमें मुस्लिमों का वोट बहुत ज़्यादा नहीं था। तो एक बात तो साफ है मदन भैया का दावा इस बार मजबूत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंद किशोर गुज्जर शायद ध्रुवीकरण के सहारे जीत जाए, लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो नंद किशोर गुज्जर की सेकंड टर्म की विधायकी यकीनन खतरे में है। बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो समीकरण यही बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।